हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गणेश जी की फेवरेट मोदक की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर के इस डिलीशियस से मोदक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गणेश जी के फेवरेट मोदक की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है बर्बन वाले बिस्किट। बर्बन बिस्किट ये मैंने 40 रुपीज़ वाला लिया है जो कि वज़न में 150 ग्राम है। आप कोई भी क्रीम वाले बिस्किट ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सबसे पहले हमें बिस्किट को इस तरह से बाहर निकाल लेना है एक बड़े से बाउल के अंदर। देखिए इस तरह से इसके अंदर चॉकलेट वाली क्रीम लगी होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बिस्किट को बाहर निकाल लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर एक ग्राइंडर जार। ग्राइंडर जार के अंदर हम सारे बिस्किट एक साथ इस तरह से डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है, बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बनाना है आपको। अब इसको एक बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बिस्किट के पाउडर को बाहर निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है अमूल का मिठाई मेड कंडेंस्ड मिल्क। आप नेस्ले का भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का कंडेंस मिल्क ले सकते हैं। अगर आपके पास ये हो कंडेंस मिल्क तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। इससे आपकी मिठाई की रिचनेस जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह दूध की मलाई, थोड़ा सा एक दो चम्मच दूध और थोड़ा सा चीनी पाउडर डाल सकते हैं और आधा चम्मच के करीब घी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो मैं यहाँ पर दो चम्मच फुल भर के कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह घी, चीनी और दूध की मलाई का यूज़ करें, अगर हो तो आप यही डालें। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चीनी का पाउडर। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडेंस मिल्क लिया है वो भी मीठा है, बिस्किट भी मीठे हैं, इसके अंदर बिस्किट की जो क्रीम है वो भी मीठी है, इसलिए चीनी का पाउडर का आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और लगभग एक से दो चम्मच के करीब हमें दूध ऐड करना है, गरम करके ठंडा किया हुआ दूध है। बिल्कुल सावधानी से आपको यहाँ पर दूध डालना है। अगर ज़्यादा लिक्विड आपका मिक्सचर हो जाता है तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दो से तीन बिस्किट का फाइन पाउडर बना कर फिर से इसमें ऐड कर दीजिए और इस तरह से एक डो आपको रेडी करना है। ये देखिए हमारा एक अच्छा सा डो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है खोपरे का बुरादा, जिसको कि मैंने घर पर ही कद्दूकस किया है और ये बिल्कुल फ्रेश अच्छा ऑयल वाला खोपरे का बुरा है। ये लगभग दो से तीन चम्मच है। एक चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी का पाउडर, क्योंकि ये थोड़ा फीका फीका सा होता है, फिर हमारी मिठाई अंदर से फीकी फीकी सी लगेगी, इसीलिए। आप चाहते हैं यहाँ पर रेडीमेड खोपरे का बुरादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे घर पर कद्दूकस किया है। एक चम्मच मैं यहाँ पर फिर से दूध ले रही हूँ इसकी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि हमारी फिलिंग की बाइंडिंग अच्छे से होनी चाहिए वरना ये बिखर जाएगी, अच्छे से बाइंड नहीं होगी तो। ये देखिए अच्छी सी बाइंडिंग इसके अंदर आ गई है सिर्फ एक चम्मच दूध से ही। एक चम्मच चीनी, एक चम्मच दूध लिया हमने इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं इस तरह का मोल्ड ले रही हूँ। आपके पास कोई भी मोल्ड हो, जैसे कि मेरे पास ये वाला मोदक का मोल्ड भी है, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो या फिर आपको पसंद हो, और ख़ास तौर पर बच्चों की पसंद से ही मिठाई बनाती हूँ मैं। इस तरह से देखिए मेरे पास, मेरे बेटे ने बोला कि इस तरह के मोल्ड में मिठाई बनानी है, बस इसलिए मैं इसके अंदर बना रही हूँ। आप चाहे तो वो वाला मोदक का मोल्ड भी ले सकते हैं। कोई भी आप मोल्ड लें उसको सबसे पहले आपको ऑयल या घी से ग्रीस करना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पिस्ता की कतरन ली है, बिल्कुल बारीक बारीक पिस्ता लिए मैंने। उसके बाद थोड़ा सा डो आपको लेना है और इस तरह से आपको अच्छे से प्रेस करते हुए एक साइड अच्छे से इसको लगा लेना है। उसके बाद अच्छे से सेंटर के अंदर, मिड पॉइंट के अंदर ही आपको इस तरह से फिलिंग को रखना है। ध्यान रखें कि आपकी फिलिंग जो है आउटर साइड नहीं जानी चाहिए, वरना आपका मोदक जो है वो अच्छे से बंधेगा नहीं। इसकी बाइंडिंग अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मोदक बीच में से बिल्कुल सेंटर में से खुल जाएगा, अच्छे से चिपक नहीं पाएगा। इसीलिए आप फिलिंग को बिल्कुल सेंटर में ही रखें और इस तरह से दूसरी साइड भी थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट बाहर डालना, ये मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ ताकि हमारा मोदक जो है दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। अगर आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। ये देखिए हमारा मोदक, चॉकलेट मोदक कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि हमने इसे पिस्ता से गार्निश कर दिया है।
ये देखिए, आप भी जहाँ तक हो सके अगर आपके पास अवेलेबल हो कोई भी ड्राई फ्रूट तो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। इससे इसकी लुकिंग बहुत अच्छी लगेगी और आपके बच्चे और पप्पा दोनों ही इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। देखने से ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस तरह से जब आप फीलिंग भरते हैं तो बीच में से उंगली से इस तरह से प्रेस कर दें, इससे कि आपकी फीलिंग जो है बहुत अच्छे से आप फील कर पाएँ। ये देखिए, इस तरह से मैं इसके अंदर फीलिंग भर रही हूँ बिल्कुल सेंटर में। बीच में फिंगर से मैंने प्रेस कर दिया था और दोनों साइड हमने पिस्ता की कतरन जो है डाल दी है। और इस तरह से अच्छे से इसे प्रेस करते हुए सारी साइड्स को अच्छे से चिपकाते हुए उसके बाद हम मोल्ड से इस तरह से अच्छे से टाइटली प्रेस करेंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है तो इस तरह से आप उंगलियों की मदद से ऐसे क्लीन कर लें। ये देखिए, आपका मोदक कितना प्यारा अच्छा सा बनकर रेडी हुआ है। और साइड की जो साइड्स हैं एक्स्ट्रा साइड्स, उसको आप इस तरह से आसानी से निकाल लें। ये देखिए, आपका कितना प्यारा सा सुंदर सा मोदक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इसी तरह से हमें सारे मोदक बना लेना है। ये देखिए, आपके सारे मोदक पप्पा को भोग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आपको एक मोदक में काट कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है या फिर कैसा दिखता है। ये मोदक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर रेडी होते हैं। ये चॉकलेट बिस्किट मोदक आपके पप्पा को और आपके बच्चों को दोनों को ही बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप इसे ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।